तीन सरकारी नौकरी वाली बहू के घर एक एसी। संगीता के बेटों की शादी पढ़ी लिखी तन्वी, दिव्या और श्रद्धा के साथ हो जाती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। तीनों बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं। ओह गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है माँ जी, प्लीज एसी ऑन कर दीजिए। माफ करना बहू, घर में एसी नहीं है। क्या, इतने बड़े घर में एक एसी भी नहीं? होगी भी कैसे, हमारे पतियों की प्राइवेट नौकरी जो ठहरी, अब तो एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरह वक्त बीतता है, तभी एक रोज तीनों बहुएं बातें करती हैं। पता नहीं किस गरीब खाने में आकर फंस गए हैं हम। हमारे ससुराल में एयर कंडीशन, एसी तो दूर, एक कूलर भी नहीं। सारा दिन इस खटारे पंखे में पसीने में नहाते रहो। हम तीनों को तब तक ऐसे ही एडजस्ट करना होगा जब तक कि हम तीनों की नौकरी ना लग जाए। तब तक ऐसे ही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी। तीनों बहुएं पूरी लगन झोंक कर पढ़ाई करती हैं और तीनों की सरकारी नौकरी लग जाती है, जहां तन्वी एक सरकारी वकील, दिव्या सरकारी डॉक्टर और श्रद्धा पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है। माँ जी ये लीजिए मिठाइयाँ खाइए। अरे मगर ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो? क्योंकि आपकी बहुएं सरकारी सर्विस वाली हो गई हैं। ये सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। वहीं अगले दिन से ही तीनों बहुएं अपनी नौकरी पर निकल जाती हैं। अब गुजरते वक्त के साथ बेहिसाब गर्मी होने लगती है। एक सुबह श्रद्धा तन्वी और दिव्या को जगाती है। दिव्या, तन्वी जल्दी उठो और रसोई में आकर मेरा हाथ बटाओ। दोनों बहुएं आंख मलते हुए रसोई में आती हैं। ओ माय गॉड, किचन में कितनी गर्मी हो रही है तन्वी, प्लीज मुझे एक ग्लास पानी तो पिलाना। हाँ ये लो पानी। दिव्या जैसे ही पानी पीती है तो कहती है, ओ गॉड गर्मी के मारे ये पानी भी एकदम उबल रहा है। एक तो गर्मी के मारे खटारे से पंखे में रात भर नींद नहीं आती, ऊपर से ये गर्म पानी। हमारे ससुराल में एक जरूरत का सामान भी नहीं है। हमारे पतियों की प्राइवेट नौकरी से कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए क्यों ना हम बहुएं अपनी सैलरी से घर में एक एयर कंडीशनर और एक फ्रिज ले आए। हाँ ये अच्छा रहेगा, उससे हम में से किसी एक पर बर्डन नहीं पड़ेगा। तीनों बहुएं अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह से अपने ससुराल में एक एसी और फ्रिज खरीद कर ले आती हैं। उनके सामने ये परेशानी खड़ी होती कि एसी किसके कमरे में सेट करेंगे। एक काम करो, इस एसी को मेरे कमरे में सेट कर दो। हाँ, अरे इस एसी को खरीदने में हम दोनों ने भी पूरे पैसे दिए हैं और इसकी ठंडी ठंडी हवा में तुम ठहरते रहोगी। मैंने भी तो इस एसी को खरीदने में पैसे फूके हैं, वो पैसे फ्री फोकट में तो आते नहीं है। महीने भर नौकरी करने के बाद पैसे मिलते हैं। तीनों बहुओं को एसी के लिए ऐसे लड़ते झगड़ते देखकर उनकी सास उनसे कहती है, अरे क्या हो गया तुम तीनों, ऐसे कुत्ते बिल्लियों के जैसे क्यों लड़ रही हो? अच्छा तो अब समझ आया, ये सारा कलेश इस एसी का है। मेरी मानो तो इस एसी को हॉल में ही सेट कर दो। तीनों बहुओं को अपनी सास का सुझाव सही लगता है, जिसके बाद वो एसी को घर के हॉल में सेट कर देती हैं और फ्रिज को रसोई में सेट कर देती हैं। दिव्या एक काम करो, कल के लिए अभी ये फली काट कर फ्रिज में रख दो ताकि सब्जी बनाने में आसानी रहेगी। इसी के साथ दिव्या के फोन पर कॉल आता है। अस्पताल से फोन था, एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। ये कहकर दिव्या अस्पताल चली जाती है और अगली सुबह 7 बजे घर आती है, जहाँ श्रद्धा किचन में खाना बना रही होती है। तभी दिव्या एसी ऑन करके सोफे पर आराम से बैठ जाती है। अब जाकर सास में सास आई है, एक काम करती हूँ हॉल में ही रेस्ट कर लेती हूँ। दिव्या को आराम करता देखकर तन्वी एसी बंद कर देती है, जिस पर दिव्या गर्मी से चिढ़कर कहती है, अरे ओ तन्वी तुम्हें दिन दहाड़े रतौंधी हो गई है क्या, देख नहीं सकती मैं आराम कर रही हूँ, एसी क्यों बंद किया? अरे पहले ही सारी रात एसी चला और अब तुम दिन में भी एसी फूकोगी? अरे इतनी ही गर्मी लग रही है तो नहा लो। अरे बंद करो ये चोचले बाजी, और ये एसी का रूममेट मुझे दो। ये एसी 8 घंटे और चलेगा, क्योंकि एक इंसान को 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, अब मुझे सोने दो। इसके बाद दोनों बहुओं के बीच एसी के रिमोट के लिए छीना झपटी होने लगती है। तभी शोरगुल की आवाज सुनकर संगीता और श्रद्धा वहां आ जाती हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई, पूरे घर को मछली बाजार बना रखा है। मोहल्ले वाले सुनेंगे तो तालियां मारेंगे कि संगीता की तीनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं ऐसे झगड़ती हैं। मम्मी जी मैं सारी रात हॉस्पिटल से थक कर घर आई हूँ और आते ये तन्वी की बच्ची दाना पानी लेकर मुझ पर चढ़ गई। पता नहीं इस मोटी बुद्धि वाली को डॉक्टर किसने बना दिया, मैंने तो बस एसी बंद करने को कहा था, मगर ये जल कुकड़ी लुल्लपंती करने ही लगी। इसे समझा दीजिए मैं वकील हूँ, मुझसे ना उलझे, वरना इसका सारा सिस्टम हिला कर रख दूंगी। जाने तुम्हारा क्या होगा, अरे सरकारी नौकरी होने के बाद भी तुम अठन्नी चवन्नी बचाने के पीछे सर खपाती हो, तो तुम झगड़ा मत करो, मैं अपने बेटों को बोल दूंगी बिजली का बिल वो भर देंगे।
उस वक्त तो संगीता अपनी तीनों बहू के झगड़े को सुलटा देती है, मगर ये शांति तो बस कुछ ही पलों की थी। इस तरह हर दिन तीनों बहुओं में एसी के लिए नोकझोंक हो ही जाया करती थी। तभी एक दिन तन्वी ढेर सारे फल और सब्जियां लेकर घर आती है और श्रद्धा से कहती है, श्रद्धा इन सारे फल सब्जियों को फ्रिज में रख देना, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ठीक है, मैं रख दूंगी, अब जाओ भी वकील साहिबा। ये सुनकर तन्वी कमरे में आराम करने चली जाती है। वहीं श्रद्धा एसी की ठंडी ठंडी हवा में बैठकर म्यूजिक सुनती सुनती सब्जी फल को फ्रिज में रखना भूल जाती है, जिस कारण अगली सुबह तक गर्मियों से सारे फल और सब्जियां गल जाते हैं। ये देखकर तन्वी गुस्से से तमतमाकर श्रद्धा को सुनाने लगती है, श्रद्धा श्रद्धा कहाँ हो तुम, जल्दी से आओ। अरे क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह फटे हुए स्पीकर की तरह शोर मचा रही हो? शोर ना मचाऊं तो क्या करूं, तुम्हारी लापरवाही के कारण सारे फल सब्जियां गर्मी में गल कर सड़ गए हैं। अब क्या बनाऊंगी नाश्ते में, जी तो कर रहा है तुम्हारा कोरमा बनाऊं। तुम खुद को क्या शेरशाह सूरी समझती हो, इस पूरी एरिया की पुलिस इंस्पेक्टर हो? देखा है मैंने कैसे सारा दिन सड़कों पर अपने भाड़े के टट्टू के साथ पुलिसगिरी झाड़ती फिरती हो और घर जाकर एसी के आगे जम जाती हो, काम से कोई मतलब नहीं। सोचा था आज का संडे स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, मगर तुमने सारी सब्जी सत्यानाश कर दी। रिलैक्स तन्वी, परेशान मत हो, ये लो मैं सब्जी ले आया हूँ, ये बना दो। और श्रद्धा मैं फ्रूट लाया हूँ, जल्दी से इसका ठंडा ठंडा जूस बना दो। तीनों बहुएं पूरा वक्त एक दूसरे पर अपनी अपनी नौकरी का रौब झाड़ती हुई कुड़कुड़ाती हुई किचन में नाश्ता बनाकर मेज पर ले आती हैं, मगर वहां भी उनकी तू तू मैं शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ छोड़ो ये चेयर, मैं यहाँ बैठूंगी। वाह जी वाह, तुम बड़ी तेज, एसी की सारी हवा तुम अकेली को चाहिए, मैं भी इसे स्विंग मोड कर देती हूँ। दिव्या रिमोट छीन कर एसी को स्विंग मोड पर कर देती है। लाओ रिमोट मुझे दो, गर्मी लग रही है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना क्या करोगी। दिव्या रिमोट लेकर भागने लगती है, तभी श्रद्धा खाने की मेज पर चढ़ जाती है। घर की ऐसी बुरी दशा देखकर तीनों के पति और उनकी सास अपना सर पकड़ लेते हैं। भैया ये पत्नी है या पनौती, देखो तीनों कैसे एक एसी के पीछे तमाशा कर रही है। अरे थम जाओ तुम तीनों, एक ऐसी नहीं हो गई कि बवाल हो गया। अरे तुम तीनों की सरकारी नौकरी अच्छा खासा कमाती हो, फिर इतनी कंजूसी करके क्या पैसे लाद कर ऊपर ले जाओगी? अगर तुमने आज के बाद इस एसी के लिए कचर कचर की तो मैं इस एसी को कबाड़ी वाले को बेच दूंगी। माँ जी ऐसा मत करना, हम अब एसी के पीछे नहीं लड़ेंगी, बल्कि ये एसी आपके कमरे में सेट करा देते हैं सासू माँ, और इस बार की तनख्वाह से हम अपने अपने कमरे में एसी लगा लेंगी। भला फ्री फोकट में अपने घर की एसी हम कबाड़ी वाले को क्यों दे? आखिर में सास की एक होशियारी अपना काम कर जाती है, जिसके बाद तीनों नौकरी पेशा बहुएं कंजूसी छोड़कर अपने अपने कमरे में एसी लगवा लेती हैं और बिना किसी खटपट के खुशी खुशी रहने लगती हैं। एक गांव में तीन सहेलियां थी, पायल, फेरेहा और माहा। वो तीनों बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त थी। दोस्त मेरे टिफिन में गेस करो कि क्या है, क्या हो सकता है? शायद भिंडी। भिंडी बिल्कुल भी नहीं। ओहो अब बता भी दे। मैं आज बिरयानी लेकर आई हूँ। अरे वाह बिरयानी। माहा ने ऐसा बोलकर अपनी सहेली के हाथ से टिफिन ही छीन लिया और भागने लगी। माहा मेरा टिफिन दे। नहीं, दोनों सहेलियां हंसती हुई भाग रही थी। फेरिया बस माहा को पकड़ने ही वाली थी कि तभी उसने उसका टिफिन पायल की तरफ उछाल दिया। फेरिया पकड़ सके तो पकड़ ले। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे रे हमारी सहेली तो नाराज हो गई, ये ले हमें नहीं खानी तेरी बिरयानी। चल पायल ये दुनिया ये महफिल हमारे काम की नहीं। दोनों सहेलियां नाटक करने लगी। रुको तुम दोनों चलो साथ में टिफिन खाते हैं। हाँ चलो। ये माहा भी ना एक नंबर की ड्रामा है। तीनों सहेलियों ने एक साथ लंच किया। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया और अब तीनों सहेलियां ही बड़ी हो चुकी थी। यार ये समय कहाँ को बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। सही कहा। फ्रेंड्स अब क्या करने का इरादा है? मैं तो अपने बाबा का बिजनेस संभालूंगी। अच्छा ख्याल है, मैं तो आगे एक बड़ी फैशन डिजाइनर बनूंगी। तू बता पायल तू क्या करेगी? वो दोस्तों मेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे आगे पढ़ा लिखा सके, इसीलिए मैं नहीं जानती कि अब मेरा क्या होगा। पायल की बात सुनकर दोनों सहेलियां भी उदास हो गई। पायल तू बता क्या तू आगे पढ़ना चाहती है? चाहती तो हूँ लेकिन। बस तो बस तू अपना सामान पैक कर ले क्योंकि अब तू भी मेरे साथ शहर चल रही है। पर क्या?
तुम्हारे बाबा बेकार में ही मेरी वजह से परेशान होंगे। मेरे बाबा की तू फिक्र मत कर, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अपनी सहेलियों के इतना फोर्स करने पर पायल मान गई। उसने अपने घर में पूछा तो उसके बाबा ने भी हाँ कर दी, लेकिन उन्होंने पायल से एक वादा करवाया और फिर दोनों सहेलियां एक साथ शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने लगी। शुक्रिया माँ। इसमें शुक्रिया कैसा, जानती नहीं है? दोस्ती में नो सॉरी और नो थैंक्स, ओके? दोनों सहेलियां बड़े ही प्यार से रहते हुए अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी कि तभी अचानक एक दिन पायल के पास उसकी माँ का फोन आया। क्या हुआ आंटी, क्यों बुला रही हैं? अब वो तो जाकर ही पता चलेगा माँ। मुझे नहीं लग रहा कि अब मैं गांव से वापस भी आऊंगी। मेरी दोस्त, तू खूब कामयाबी हासिल करना। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा तेरे साथ हैं। पायल माँ के गले मिली और फिर दोनों सहेलियों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो गए। पायल थोड़ी सी ही देर में ट्रेन से सफर करती हुई अपने गांव पहुंच गई। मैं आ गई माँ। कुछ देर शांति से बैठने के बाद पायल की माँ उससे बोली, देख बेटा, ये मेरा नहीं तेरे बाबा का फैसला है और मुझे यकीन है कि तू उनसे किया हुआ वादा नहीं भूली होगी। जानती हूँ आपने मुझे क्यों बुलाया है और मैं अपना वादा भी नहीं भूली हूँ। पायल अपने परिवार से एक वादा करके गई थी और उसके मुताबिक पायल ने 12वीं कक्षा के बाद एक साल और पढ़ाई कर ली थी, लेकिन अब उसे वही करना पड़ता जो उससे कहा जाता। तेरे बाबा ने तेरे लिए एक अच्छा सीधा साधा शरीफ लड़का पसंद कर लिया है और अब बस भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में हम तेरी शादी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही देखते देखते समय बीत गया और पायल की शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हो गई। पायल के ससुराल वाले बहुत ज्यादा गरीब थे, लेकिन वो लोग दिल के बड़े ही अच्छे थे, तो पायल उस गरीबों में भी खुश थी। लाइए मम्मी जी, मैं आपकी टांगों पर तेल लगा देती हूँ। अरे बहू, तू अभी तो रोटियां बनाकर आ ही रही है, रहने दे, मैं खुद लगा लूंगी। माँ जी, मुझे आपकी सेवा करते हुए बहुत अच्छा लगता है। पायल रोज अपने परिवार की ऐसे ही सेवा करती थी, जैसे सभी के लिए चूल्हे पर खाना बनाना, हाथ से सिल और चटनी पीसना भी वगैरह वगैरह। इसी तरह देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था और पायल भी अब एक बेटे को जन्म दे चुकी थी। ऐसे ही गरीबी में समय बीतते हुए कई साल बीत गए। पायल का बेटा भी अब 3 साल का हो चुका था। कड़ी गर्मी पड़ रही थी। ले ले ले, रोना नहीं, मम्मा है ना। पायल ने अपने बच्चे को हाथ के ही पंखे से हवा की, लेकिन वो बेचारी पसीने में नहा रही थी। अब तो उनके घर में एक छत वाला पंखा भी नहीं बचा था, क्योंकि पायल के पति का काम बिल्कुल बंद हो चुका था, तो उन्हें वो पंखा भी उतार कर बेचना पड़ा। पायल हवा कर ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया ने जन्म लिया और वो बाहर आ गई। अपने घर परिवार के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पायल ऐसे बोलती हुई एक बड़ी कंपनी में घुस गई, जहाँ एक रिसेप्शन की जॉब के लिए जगह खाली थी। अगर मुझे यहाँ भी नौकरी मिल जाए तो मेरे घर के हालातों में बहुत सहारा हो जाएगा। पायल वहाँ गई और वो इधर उधर देखती हुई चल ही रही थी कि तभी उसकी टक्कर उस कंपनी की मालकिन से हो गई। दिखता नहीं है क्या? सॉरी। जैसे ही उनकी एक दूसरे पर नजर पड़ी तो वो हैरान रह गए। पायल, क्या ये तू है? तू बता, तू कैसी है? ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? पायल ने फेरिया को अपने घर की पूरी स्थिति बता दी। उसकी बात सुनकर फेरिया ने उसे तुरंत जॉब पर रख लिया। तेरा शुक्रिया दोस्त, अब मैं चलती हूँ, कल पक्का टाइम से काम पर आ जाऊंगी। जब पायल चली गई तो फेरिया की सेक्रेटरी ने उसे उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। मैम, ऐसी काली कलूटी रिसेप्शनिस्ट से वो क्लाइंट बाहर से ही डर कर भाग जाएगा। आप इस गल्लू को काम पर मत रखो। तुम सिर्फ अपना काम करो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, समझी? फेरिहा ने यूं ही अपनी सेक्रेटरी का मुंह बंद कर दिया और अपने दिमाग में एक योजना बनाई। शाम को पायल खाना बना रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पायल ने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई। तुम दोनों? दरअसल वहां कोई और नहीं बल्कि उसकी बचपन की सहेलियां आई थी। मां भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हमारी दोस्त के घर जाया जाए। तुमने बहुत अच्छा किया। ओ बंदर, आ जाओ और खाना खा लो। नहीं नहीं, हमें खाना नहीं खाना है। अरे लड़कियों, आ जाओ, शर्माओ मत। पायल ने अपनी सहेलियों को चूल्हे पर बना गर्म गर्म खाना खिलाया। वाह, इसे खाकर तो बचपन याद आ गया।
तीन सहेलियां इतने सालों बाद भी बिल्कुल नहीं बदली थी। वो तीनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। इसी तरह से रात हो गई। अब हम चलते हैं। कुछ देर और रुक जाओ। अब तू हमारे घर आना। अरे बातों बातों में तो हम गिफ्ट देना ही भूल गए। अभी लाती हूँ। सरिया ने पायल को एक ब्रांडेड एसी, एक मिठाई का डब्बा, एक सुंदर सा हार और सभी का एक एक सूट दिया। पर इस सब की क्या जरूरत थी? चल अब बस यही बात मत बोल। हम ये गिफ्ट बड़े जी से लेकर आए हैं और तू भी इन्हें खुशी से अपना ले। और हाँ, एक और चीज ये ले। फेरिहा ने अपनी कंपनी में पायल के पति को जॉब देने के लिए कंपनी कार्ड भी दिया। अगले दिन उसका पति कार्ड को लेकर गया तो उसे उसकी काबिलियत देखकर मैनेजर की पोस्ट मिल गई। अब पायल के हालात भी पूरी तरह बदल चुके थे। उसने अपनी सहेलियों का दिल से शुक्रिया अदा किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।